हाई एवरी वन दिस इज निकीता वैद्या एन एन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन ऑन टारगेट कॉस्टिंग ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट भी इंक्लूड करता है एन ई सी लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू पार्ट्स पी एंड क्यू फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री एन ई सी लिमिटेड दो पार्ट मैन्युफैक्चर करता है कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए कौन से दो पार्ट्स पी और क्यू पी के बारे में लिखा है एनुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ वन लैख यूनिट्स एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज़ हंड्रेड पॉइंट जीरो फ़ाइव पर यूनिट एनुअल प्रोडक्शन और सेल्स वन लैख यूनिट है और सेलिंग प्राइस है हंड्रेड रुपीज़ पॉइंट जीरो फाइव पर यूनिट यानी हंड्रेड रुपीज़ फाइव पैसे पर यूनिट क्यू के बारे में लिखा है एनुअल प्रोडक्शन और सेल है फिफ्टी थाउजेंड यूनिट और सेलिंग प्राइस है वन फिफ्टी रुपीज़ पर यूनिट डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑन दिस टू पार्ट आर एस फॉलोज डायरेक्ट और इन डायरेक्ट कॉस्ट ये दोनों पार्ट पे कितना डायरेक्ट और इन डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड हुआ वो दिया गया है रुपीज़ आर इन थाउजेंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरीबल है ये फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री थाउजेंड टोटल है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज़ आर इन थाउजेंड लेबर कॉस्ट वेरिएबल है ये फिफ्टीन हंड्रेड वन थाउजेंड टोटल टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट सेवन हंड्रेड फाइव फिफ्टी एंड वन टू फाइव जीरो डायरेक्ट मशीनिंग लिखा है सी नोट डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ मशीन कैपेसिटी डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट दीज कॉस्ट आर फिक्सड एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू वेरी ओवर द लॉन्ग रन हॉरिजन डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट के बारे में लिखा है कि डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन कैपेसिटी डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट मतलब मशीन कैपेसिटी का वो कॉस्ट जो हर एक प्रोडक्ट product के प्रोडक्शन पे डेडिकेटेड है वो है डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट और ये कॉस्ट फिक्स है और बहुत लंबे समय तक ये नहीं बदलने वाले हैं इन डायरेक्ट कॉस्ट कौन से हैं मशीन सेटअप कॉस्ट फोर सिक्सटी टू रुपीज आर इन थाउजेंड टेस्टिंग कॉस्ट टू थाउजेंड थ्री सेवेंटी फाइव इंजीनियरिंग कॉस्ट टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी राइट नाउ नोट हमने पढ़ लिया था आगे देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोस एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है पी और क्यू दोनों के बारे में प्रोडक्शन बैच साइज थाउजेंड यूनिट्स और फाइव हंड्रेड यूनिट्स बैच में प्रोडक्शन होता है तो एक बैच का साइज पी के थाउजेंड यूनिट्स है और क्यू का फाइव हंड्रेड यूनिट है सेटअप टाइम पर बैच हर एक बैच का सेटअप टाइम थर्टी आवर्स क्यू का थर्टी सिक्स अर्स testing time per unit 5 years, 9 hours engineering cost incurred on each product 8.40 lakhs 14.10 lakhs a foreign competitor has introduced product very similar to p to maintain the company's share and profit NEC limited has to reduce the price to rupees 86.25 a foreign कॉम्पिटिटर है उसने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जो बहुत सिमिलर है पी के अब अगर कंपनी को अपना शेयर मेंटेन करना है मार्केट में और अपना प्रॉफिट मेंटेन करना है तो उसको प्राइस रिड्यूस करना है 86.25 पे पहले कितना था प्राइस पी का 100.05 अभी उसको करना है 86.25 राइट द कंपनी कॉल्स फॉर अ मीटिंग एंड कम्स अप अ प्रपोजल टू चेंज डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट पी तो कंपनी ने एक मीटिंग बुलाई और एक प्रपोजल रखा पी का डिजाइन चेंज करने का द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ न्यू डिजाइन इज एज फॉलोज तो अभी एफेक्ट क्या है डिज़ाइन चेंज करने का वो दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय रुपीज़ फ़ाइव पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना डिक्रीज होने का एक्सपेक्टेड है रुपीज़ फ़ाइव पर यूनिट लेबर कॉस्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय रुपीज़ टू पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितना डिक्रीज़ होने का एक्सपेक्टेड है रुपीज़ टू पर यूनिट मशीन टाइम इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15 मिनट्स प्रीवियसली इट टूक थ्री आवर्स टू प्रोड्यूस यूनिट ऑफ पी द मशीन विल बी डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू डिजाइन मतलब मशीन टाइम एक यूनिट का पंद्रह मिनट से कम हो रहा है पहले तीन घंटे लगते थे एक यूनिट को बनने में लेकिन क्या बोला है कि मशीन टाइम डेडिकेटेड है प्रोडक्शन ऑफ न्यू डिज़ाइन के लिए और दूसरी बात यह कि यह फिक्स्ड है और ये एक्सपेक्ट न, ये बदलेंगे नहीं बहुत लॉन्ग रन होरिज़न तक सेटअप टाइम विल बी 28 एट आवर्स फॉर ईच सेटअप 28 आवर्स रहेगा सेटअप टाइम पहले था 30 आवर्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ईच यूनिट विल बी रिड्यूस्ड बाय वन आवर टेस्टिंग के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो फाइव आवर्स से कितना हो जाएगा फोर आवर्स हो जाएगा इंजीनियरिंग कॉस्ट एंड बैच साइज विल बी अनचेंज इंजीनियरिंग कॉस्ट और बैच साइज सेम रहेगा एट पॉइंट फोर जीरो लैक्स राइट नाउ रिक्वायर्ड कंपनी मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज डेट कॉस्ट ड्राइवर फॉर मशीन सेटअप कॉस्ट इज सेटअप आर्स यूज इन बैच सेटिंग एंड फॉर टेस्टिंग कॉस्ट इज टेस्टिंग टाइम मतलब कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि कॉस्ट ड्राइवर मशीन सेटअप कॉस्ट के लिए क्या है सेटअप टाइम पर बैच और टेस्टिंग कॉस्ट के लिए क्या है टेस्टिंग टाइम ये भी बैच पर बैच इंजीनियरिंग कॉस्ट आर असाइन टू प्रोडक्ट्स बाय स्पेशल स्टडी कैलकुलेट द फुल कॉस्ट पर यूनिट फॉर पी एंड क्यू यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मतलब ए बी सी के हिसाब से आपको पी और क्यू का फुल कॉस्ट निकालना है वॉट इज द मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पी मार्कअप क्या है आपको ये बताना है पर यूनिट ऑफ पी पे टारगेट कॉस्ट पर यूनिट फॉर न्यू डिजाइन टू मेटेन एज्यूम कॉस्ट पर फॉर द न्यू डिजाइन रिमेन अनचेंज मतलब आपको क्या बताना है टारगेट कॉस्ट पर यूनिट बताना है न्यू डिजाइन की अगर मार्कअप क्या रहेगा सेम रहेगा फुल कॉस्ट पे मार्कअप सेम रहेगा तब आपको बताना है टारगेट कॉस्ट और एज्यूम करना है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रिमेन सेम विल द न्यू डिजाइन अचीव द कॉस्ट रिडक्शन टारगेट आपको ये बताना है क्या न्यू डिज़ाइन से कॉस्ट रिडक्शन टारगेट अचीव हो जाएगा लिस्ट फॉर पॉसिबल मैनेजमेंट एक्शन डेट द एन ई सी लिमिटेड शुड टेक रिगार्डिंग न्यू डिजाइन आपको चार पॉसिबल एक्शन बताना है जो एन ई सी लिमिटेड को लेने चाहिए न्यू डिजाइन के रिगार्डिंग सो बेसिकली ओवरऑल क्वेश्चन क्या बोल रहा है ओवरऑल क्वेश्चन बोल रहा है कि दो प्रोडक्ट है पी और क्यू दोनों का सेलिंग प्राइस दिया है कॉस्ट दिए हुए हैं, राइट right? उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्रोडक्शन बैच साइज की सेटअप टाइम की टेस्टिंग पर यूनिट की इंजीनियरिंग कॉस्ट की ये सारे इन्फॉर्मेशन के बाद ये लिखा है कि एक फॉरेन कॉम्पिटिटर आ रहा है जो एक प्रोडक्ट ला रहा है वेरी सिमिलर टू पी तो अपना मार्केट शेयर मेंटेन रखने प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखने वो बोल रहा है कि प्राइस हंड्रेड थी अब रिड्यूस करके एटी कर दो उसके लिए कंपनी ने मीटिंग बुलाई और बोला गया कि डिज़ाइन चेंज कर दी जाए राइट प्रोडक्ट पी के डिज़ाइन चेंज कर दी जाए तो उसके इफेक्ट क्या होंगे वो दिए हुए हैं डायरेक्ट मटेरियल कम होगा लेबर कॉस्ट कम होगी सेटअप टाइम कम होगा ठीक है टेस्टिंग टाइम कम होगा ये सब दिए हुए हैं और फिर आपको पूछा गया है कि एबीसी के हिसाब से फुल कॉस्ट निकालना है मार्कअप बताना है उसके बाद टारगेट कॉस्ट निकालना है ये टारगेट टारगेट कॉस्ट निकालना है न्यू डिजाइन के लिए और मेंटेन रखना है मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट ठीक है उसके बाद आपको देखना है कि क्या न्यू डिजाइन में कॉस्ट रिडक्शन टारगेट अचीव हुआ उसके बाद आपको चार मैनेजमेंट एक्शन बताने हैं जो एनईसी को लेने चाहिए रिगार्डिंग न्यू डिजाइन तो सबसे पहले आपको क्या करना है एबीसी के हिसाब से फुल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एबीसी, राइट तो पहले क्या लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, अमाउंट किस में है रुपीज में डायरे पर्टिकुलर्स डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कितना है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड दिस इज इन रुपीज इन थाउजेंड और थ्री थाउजेंड फोर्टी टू लैक्स थर्टी लैक्स देन डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर कितना है फिफ्टीन हंड्रेड वन थाउजेंड ठीक है उसके बाद क्या है डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट सेवन हंड्रेड फाइव फिफ्टी इसके बारे में क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट के बारे में कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ मशीन कैपेसिटी डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट यानी मशीन कैपेसिटी का कॉस्ट जो डेडिकेटेड है हर एक प्रोडक्ट product के प्रोडक्शन पे और ये फिक्स है और नहीं बदलने वाला है बहुत लॉन्ग रन तक हो गया मशीनिंग कॉस्ट देन नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में मशीन सेटअप कॉस्ट टेस्टिंग कॉस्ट और इंजीनियरिंग कॉस्ट ये टोटल दिए हुए हैं हमको एलोकेट करना है पी और क्यू में राइट मशीन सेटअप कॉस्ट आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट में पहले मशीन सेटअप कॉस्ट इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट ड्राइवर फॉर मशीन सेटअप कॉस्ट इज सेटअप यूज इन बैच सेटिंग एंड फॉर टेस्टिंग कॉस्ट इज टेस्टिंग टाइम क्या कि कॉस्ट ड्राइवर क्या है मशीन सेटअप कॉस्ट का सेटअप अर्स यूज इन बैच सेटिंग यानी टोटल कितने सेटअप अर्स लगते हैं हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी है सेटअप टाइम पर बैच की हर एक बैच में कितना सेटअप टाइम लगता है इन टू नंबर ऑफ बैचेस कर देंगे तो टोटल सेटअप टाइम आ जाएगा लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ बैचेस नहीं दिए हुए हमारे पास दिया है टोटल एनुअल प्रोडक्शन और दिया है एक बैच में कितने यूनिट बनते हैं तो टोटल कितने यूनिट बनते हैं डिवाइडेड बाय एक बैच में कितने यूनिट बनते हैं तो आ जाएगा नंबर ऑफ बैचेस और उसको हम इनटू कर देंगे सेटअप टाइम पर बैच तो क्या आ जाएगा टोटल सेटअप टाइम राइट सो so, ये वर्किंग नोट क्यू सो एनुअल प्रोडक्शन कितना है यहाँ वन लैक यूनिट्स का एनुअल प्रोडक्शन है यहाँ फिफ्टी थाउजेंड यूनिट का क्यू का प्रोडक्शन है फिर क्या दिया हुआ एक बैच में प्रोडक्शन बैच साइज यानी एक बैच में कितने यूनिट्स बनते हैं वन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड प्रोडक्शन बैच साइज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो सी क्या कैसे निकलेगी एनुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन बैच साइज तो वन लैक डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड हंड्रेड इतनी हो गई नंबर ऑफ बैचेस उसके बाद क्या दिया हुआ है सेटअप कॉस्ट सेटअप टाइम पर बैच थर्टी आवर्स और थर्टी सिक्स सेटअप टाइम पर बैच दिया हुआ है थर्टी आवर्स थर्टी सिक्स सो टोटल सेटअप टाइम टोटल सेटअप टाइम कितना इंटू डी जितनी बैचेस है और हर बैच को कितने आर्स लगते हैं वो इंटू कर देंगे तो टोटल सेटअप टाइम थ्री थाउजेंड आर्स थर्टी सिक्स हंड्रेड आवर्स ये क्या आ गया टोटल सेटअप टाइम अभी क्या लिखा हुआ है कि मशीन सेटअप कॉस्ट कितना फोर सिक्सटी टू फोर सिक्सटी टू रुपीज आर इन थाउजेंड सो so, एफ में आप लिखेंगे मशीन सेटअप कॉस्ट कितना है फोर लैख सिक्सटी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय कितना सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड राइट और यहाँ एक में इंटू थ्री थाउजेंड और एक में इंटू थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मशीन सेटअप कॉस्ट मतलब कितना रुपीज ये आ गया सेवेंटी और इंटू थ्री थाउजेंड तो यहाँ पे आ गया टू लैख टेन थाउजेंड और जब इन टू थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड करेंगे सो टू लैख फिफ्टी टू थाउजेंड ये क्या गया मशीन सेटअप कॉस्ट यहाँ पे मशीन सेटअप कॉस्ट पर आर कितना है रुपीज सेवेंटी राइट अभी सेकेंड सेकेंड sec, क्या टेस्टिंग कॉस्ट अभी टेस्टिंग कॉस्ट का करेंगे हम टेस्टिंग कॉस्ट के बारे में क्या दिया हुआ है टेस्टिंग कॉस्ट इज टेस्टिंग टाइम टेस्टिंग टाइम है टेस्टिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर राइट सो टेस्टिंग टाइम पर यूनिट दिया हुआ है और कितने यूनिट बनते हैं वो दिया हुआ है टेस्टिंग टाइम पर यूनिट दिया हुआ है पहले लिखेंगे जी टेस्टिंग कॉस्ट टोटल टेस्टिंग कॉस्ट कितना है टू थ्री सेवन फाइव टेस्टिंग कॉस्ट पहले नहीं लिखते टेस्टिंग टाइम लिखते हैं पहले टेस्टिंग टाइम कितना है यहाँ पे दिया हुआ है टेस्टिंग टाइम है आवर्स और नाइनर्स फाइव अर्स इंटू वन लाइक यूनिट्स एंड नाइन आवर्स इंटू 50,000 units because total units itti hai 5 hours into 1 lakh units or 9 hours into 50,000 units right so 5 into 1 lakh 5 lakh 9 into 50,000 फोर लैक फिफ्टी थाउजेंड राइट ये क्या हो गया टेस्टिंग टाइम किस में आरस में अभी टेस्टिंग कॉस्ट पर आर टेस्टिंग कॉस्ट पर आर कैसे निकलेगा टोटल कितने से फाइव लैख प्लस फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड राइट और टोटल कॉस्ट कितना है टू थ्री सेवन फाइव ट्रिपल जीरो टू थ्री सेवन फाइव रुपीज था में सो टू थ्री सेवन फाइव ट्रिपल जीरो डिवाइडेड बाय फाइव लैख प्लस फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड इज नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड कितना आ जाएगा ये टू थ्री सेवन फाइव ट्रिपल जीरो डिवाइडेड बाय नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड विच इज इक्वल टू रुपीज टू पॉइंट फाइव पर आर सो आई में क्या लिखोगे आप टेस्टिंग Cost. Cost कितना निकलेगा जी इन टू एच यानी टू पॉइंट फाइव पर आर है सो टू पॉइंट इंटू फाइव लैख विच इज इक्वल टू ट्वेल्व लैख्टी थाउजेंड एंड टू पॉइंट फाइव इंटू फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड विच इज इक्वल टू इलेवन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड देन कम्स वट इंजीनियरिंग कॉस्ट इंजीनियरिंग कॉस्ट के बारे में ये लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग कॉस्ट आर असाइन टू प्रोडक्ट बाय स्पेशल स्टडी राइट ये सेम रहेंगे 8.4 और 14.1 सो बेसिकली हमको एक बार मैं रिपीट करी कि हमने ये कैसे निकाला देखिए मशीन सेटअप के बारे में लिखा था कि कॉस्ट ड्राइवर क्या है सेटअप टाइम पर और ठीक है थीके? यूज इन बैच सेटिंग तो आपको क्या दिया है सेटअप टाइम पर बैच दिया है टोटल सेटअप टाइम कितना लगेगा सेटअप टाइम पर बैच दिया है आपको नंबर ऑफ बैचेस निकाल लें आपके पास ये दिया है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी बनेगी और एक बैच में कितनी यूनिट बनेगी तो नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे और एक बैच को कितना सेटअप टाइम लगता है वो भी दिया है सो दिस इंटू नंबर ऑफ बैचेस तो क्या आ जाएगा टोटल आस आ जाएंगे और टोटल कॉस्ट दी हुई है डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा रुपीज सेवेंटी राइट देन इंटू कर देंगे इसको किससे आर से फिर टेस्टिंग टाइम टेस्टिंग टाइम कैसे निकालेंगे कि आपके पास टोटल दिया है टेस्टिंग टाइम पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे फिर टेस्टिंग पर आर निकाल लेंगे, आपके पास टोटल टेस्टिंग है और तो निकालेंगे जितना टेस्टिंग टाइम है और इंटू टेस्टिंग कॉस्ट पर आवर यानी फाइव लाख इंटू टू पॉइंट फाइव एंड फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू टू पॉइंट फाइव तो आ जाएगा आपका टेस्टिंग कॉस्ट राइट अभी हम लिखते हैं यहाँ पे मशीन सेटअप कॉस्ट मशीन सेटअप कॉस्ट क्या है टू लैख टेन थाउजेंड एंड टू लैख फिफ्टी टू थाउजेंड राइट फिर क्या टेस्टिंग कॉस्ट टेस्टिंग कॉस्ट कितना ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड इलेवन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड उसके बाद क्या इंजीनियरिंग कॉस्ट वो सेम रहेगा लिखा था एट लाख फोर्टी थाउजेंड और फोर्टीन लाख टेन थाउजेंड सो ये क्या हो गया टोटल कॉस्ट निकल गया अकॉर्डिंग टू वॉट ए बी सी क्योंकि कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से निकाला है आपने सो बिच इस फोर्टी टू लैख प्लस फिफ्टीन लैख प्लस सेवन लैख प्लस टू लैख टेन थाउजेंड प्लस ट्वेल लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस एट लैख फोर्टी थाउजेंड बिच इज़ इक्वल टू एटी सेवन लैक्स नाउ क्यू का थर्टी लैक्स प्लस टेन लैक्स प्लस फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड प्लस टू लैख फिफ्टी टू थाउजेंड प्लस इलेवन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस फोर्टीन लाख टेन थाउजेंड विच इज इक्वल टू सेवेंटी थ्री लाख थर्टी सेवन थाउजेंड राइट ये क्या हो गया टोटल कॉस्ट हो गया अभी टोटल यूनिट्स टोटल यूनिट्स है वन लैख और फिफ्टी थाउजेंड सो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी आ गया जी क्या एच कॉस्ट पर यूनिट जी डिवाइडेड बाय एच टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 87 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख दैट इज रुपीज पर यूनिट एंड 73 लाख 37,000 डिवाइडेड बाय 50,000 व्हिच इज इक्वल टू रुपीज वन फोर्टी पर यूनिट ये एबीसी के हिसाब से क्या गया रुपीस पर यूनिट आपको क्या निकालना था फुल कॉस्ट पर यूनिट मैंने निकाल ली फुल कॉस्ट पर यूनिट अकॉर्डिंग टू ए बी सी पी की भी और क्यू की भी राइट right? जो कॉस्ट आपको डायरेक्टली दिए हुए थे वो डायरेक्टली लिखे और कुछ का आपने कॉस्ट जेवर पर यूनिट निकालने के बाद किया कैलकुलेशन राइट नाउ वॉट इज द मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पी ये ए फिर क्या है वॉट इज द मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पी मार्कअप कितना है देखिए आपके पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और आपके पास कॉस्ट भी दिया हुआ है एबीसी के हिसाब से आपको मार्कअप निकालना है पी का सो सेकेंड सेलिंग प्राइस हंड्रेड पॉइंट जीरो फाइव राइट ये रुपीज में है कॉस्ट दिया हुआ है 87. तो मार्क अप, मार्क अप कितना एटी सेवन तो मार्कअप मार्कअप यानी कॉस्ट के ऊपर कितना ठीक है जैसे हंड्रेड कॉस्ट है और वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन सेलिंग प्राइस है तो इनके बीच डिफरेंस है फिफ्टीन तो कॉस्ट पे कितना मार्कअप हुआ फिफ्टीन रुपीज का राइट सो फिफ्टीन डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितना हंड्रेड फिफ्टीन परसेंट देखिए मैं बता रही हूँ कॉस्ट है हंड्रेड और सेलिंग प्राइस है सपोज 115 फिफ्टीन कितना हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट 15 यानी रुपीज़ फ़िफ्टीन का मार्कअप है अगर परसेंट निकाले कॉस्ट पे तो 15 डिवाइडेड बाय 100 इन टू हंड्रेड 15 फिफ्टीन परसेंट का मार्कअप है कॉस्ट पे अभी ये देखिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट तो कितना 13.05 है मार्कअप अभी परसेंट थर्टीन पॉइंट जीरो फाइव डिवाइडेड फुल कॉस्ट कितना एटी सेवन कॉस्ट हंड्रेड सो थर्टीन पॉइंट जीरो फाइव डिवाइडेड बाय एटी सेवन इन टू हंड्रेड थर्टीन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय एटी सेवन इंटू हंड्रेड विच इज इक्वल टू फिफ्टीन परसेंट राइट सो so, कितना मार्कअप है कॉस्ट पे फिफ्टीन परसेंट का मार्कअप है और अगर आप रुपीस के हिसाब से देखेंगे तो थर्टीन पॉइंट जीरो फाइव रुपीज़ का मार्कअप है सो नाओ नंबर थर्ड

ऑफ कॉस्ट ड्राइवर फॉर द न्यू डिजाइन रिमेन अनचेंज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर अनचेंज रहेगा ये अज्यूम करना है राइट सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है 86.25 और मार्कअप परसेंट दिया है 15 परसेंट तो आपको निकालना है टारगेट कॉस्ट पिछले एग्जांपल में ये सेलिंग प्राइस था ये कॉस्ट था ये मार्कअप अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो कॉस्ट माइनस करके मार्कअप निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस दिया है तो मार्कअप माइनस करके क्या निकाल सकते हैं कॉस्ट सपोज एग्जाम्पल में सेलिंग प्राइस नाइन्टी फाइव रुपीज़ है विच इज़ वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन परसेंट और मार्कअप आपको निकालना है सो so, नाइन्टी फाइव रुपीज़ कितना है वन फिफ्टीन परसेंट तो फिफ्टीन परसेंट कितना होगा सपोज एक्स आता है तो टारगेट कॉस्ट कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस मार्कअप एक्स इज इक्वल टू टारगेट कॉस्ट ऐसे निकालेंगे तो अभी सेलिंग प्राइस कितना एटी सिक्स पॉइंट टू फाइव रुपीज है मार्कअप मार्कअप कितना 86.25 कितना है 115 परसेंट है तो 15 परसेंट कितना है 11.25 टारगेट कॉस्ट कितना है सेलिंग प्राइस माइनस मार्कअप विचेज रुपीज सेवेंटी फाइव पर यूनिट ये है टारगेट कॉस्ट आपको टारगेट कॉस्ट निकालना था नाउ फोर्थ विल द न्यू डिज़ाइन अचीव द कॉस्ट रिडक्शन टारगेट मतलब नया डिज़ाइन जो है वो अचीव करेगा क्या कॉस्ट रिडक्शन टारगेट कॉस्ट रिड्यूस हुआ है एटी सेवन से सेवनटी फाइव मतलब नए डिज़ाइन का कॉस्ट सेवेंटी फाइव या उससे कम होगा क्या तो उसके लिए आपको कॉस्ट निकालना होगा नए डिजाइन का पर यूनिट टोटल पार्टिकुलर्स डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल का पहले कितना था प्राइस कॉस्ट सॉरी फोर्टी टू लैक्स और पहले थी वन लैख यूनिट यानी रुपीज़ फोर्टी टू पर यूनिट अभी बत बोल रहा है एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ न्यू डिजाइन राइट उसमें बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना डिक्रीज होने का एक्सपेक्टेड है रुपीज़ फाइव पर यूनिट फोर्टी टू में से रुपीज़ फाइव पर यूनिट माइनस किया तो रुपीज थर्टी सेवन पर यूनिट टोटल कितना थर्टी सेवन इंटू वन लैख देट इज थर्टी सेवन लैख देन सेकेंड डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर कितना था डायरेक्ट लेबर था फिफ्टीन लाख रुपीज फिफ्टीन लाख डिवाइडेड बाय वन लाख यानी पर यूनिट और अभी कितना एक्सपेक्टेड है रिड्यूस होने का रुपीज टू पर यूनिट रुपीज फिफ्टीन पर यूनिट था उसमें रुपीज टू पर यूनिट माइनस हुआ तो रुपीज थर्टीन पर यूनिट टोटल थर्टीन इन वन लैख यूनिट रुपीज थर्टीन लैख ये अमाउंट है रुपीज में राइट नाउ थर्ड थर्ड इज मशीनिंग कॉस्ट मशीनिंग कॉस्ट सेवन लैख है वन लैख यूनिट थी सो वन लैक डिवाइडेड सेवन लैक डिवाइडेड बाई वन लैक इज रुपीज सेवन पर यूनिट मशीनिंग कॉस्ट क्या है नोट में दिया भी है इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ मशीन कैपेसिटी डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट कि मशीन कैपेसिटी की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है जो डेडिकेटेड है प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट पे और दिया हुआ है कि भले ही मशीन टाइम रिड्यूस हो रहा है फिफ्टीन मिनट से लेकिन मशीन विल बी डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू डिजाइन इसीलिए पूरा का पूरा जो मशीनिंग कॉस्ट है वो लगेगा बिकॉज डेडिकेटेड है मशीन और कॉस्ट फिक्स रहेगा फॉर लॉन्ग रन तो सेवन लैख वन लैख इज रुपीज सेवन पर यूनिट दिस इज मशीनिंग कॉस्ट देन आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में पहला क्या आता है मशीन सेटअप कॉस्ट मशीन सेटअप कॉस्ट में देखिए रुपीज 70 पर बैच क्या है इसका कॉस्ट ड्राइवर पर बैच रुपीज ए, रुपीज सेवेंटी पर आर और ऐसे कितने बैच है टोटल बैचेस है हंड्रेड हंड्रेड बैचेस हैं हर एक बैच को कितने आर्स लगते हैं गिवन है रुपीज 20 ए सॉरी 28 आवर्स फॉर ईच सेटअप 100 बैचेस हैं हर एक बैच के सेटअप में लगते हैं 28 घंटे सो so, टोटल घंटे कितने हो गए 100 28 यानी 2800 आवर्स हो गए और कॉस्ट ड्राइवर है Rs. ₹70 पर आवर सो 2800 आवर्स ₹70 पर आवर्स क्या हो जाएगा अमाउंट आ जाएगा किसका मशीन सेटअप का कैसे टोटल हंड्रेड बैचेस है रुपीज ट्वेंटी सॉरी रुपीज बोल रही हूँ बार बार ट्वेंटी एट आवर्स लगते हैं हर एक बैच के सेटअप को और रुपीज सेवेंटी पर आवर ये है कॉस्ट ड्राइवर तो टोटल कितना आ गया हंड्रेड इंटू ट्वेंटी यानी वन लैख नाइनटी सिक्स थाउजेंड रुपीज हो गया मशीन सेटअप कॉस्ट और वन सो डिवाइड करने पे आ गया वन पॉइंट नाइन सिक्स अभी टेस्टिंग कॉस्ट टेस्टिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है टेस्टिंग कॉस्ट गिवन है। इट विल बी रिड्यूस्ड बाय वन आर पहले था फाइव आवर्स अब कितना हो जाएगा फोर आवर्स हो जाएगा हर एक यूनिट का फोर आवर्स टोटल वन लैख यूनिट है सो वन लैख इंटू फोर यानी फोर लैख आवर्स हो जाएंगे और कॉस्ट ड्राइवर पर आर कितना है रुपीज टू पॉइंट फाइव पर आर सो फोर लाख आर्स इंटू टू पॉइंट फाइव तो कितना टोटल टेस्टिंग कॉस्ट आ जाएगा कितना इंटू टू पॉइंट फाइव सो वन लैख इंटू फोर इंटू टू पॉइंट फाइव विच इज इक्वल टू टेन लैख इतना टोटल कॉस्ट हो गया और वन लैख है सो डिवाइडेड बाय वन लैख इज रुपीज टेन पर यूनिट देन फिफ्थ इज इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कास्ट के बारे में क्या दिया हुआ है कि इंजीनियरिंग कितना रहेगा एट पॉइंट फोर लैक्स ही रहेगा वो एट पॉइंट फोर लैक्स इज एट लैख फोर्टी थाउजेंड विवाइडेड बाई वन लैख एट पॉइंट फोर सो टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी है थर्टी सेवन प्लस थर्टीन प्लस सेवन प्लस वन पॉइंट नाइन सिक्स प्लस टेन प्लस एट पॉइंट फोर टोटल कॉस्ट पर यूनिट तो है सेवेंटी सेवन पॉइंट थ्री सिक्स और टोटल कॉस्ट सेवेंटी सेवन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड सो ये हो गई टोटल कॉस्ट अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि Will the new design achieve the cost reduction target? Target cost 75 hai, total cost 77.36 hai. So, new design will not be able to, new design will not be able to achieve cost reduction target. क्यों क्योंकि 77.36 है कॉस्ट और होना कितना चाहिए 75 फाइव यानी रुपीज टू पर यूनिट से कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा लिस्ट फोर पॉसिबल मैनेजमेंट एक्शन एन एस सी लिमिटेड शुड टेक रिगार्डिंग न्यू डिजाइन फोर पॉसिबल मैनेजमेंट एक्शन बताने जो एन एस सी लिमिटेड लेगा रिगार्डिंग न्यू डिजाइन तो आपको लिखना है फोर पॉसिबल एक्शंस आर एस फॉलोस सबसे पहले अप्लाइंग नहीं वैल्यू एनालिसिस करना है वैल्यू एनालिसिस टू रिड्यूस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए वैल्यू एनालिसिस करना है फिर सेकेंड टाइम एंड मोशन स्टडी टू रिड्यूस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रिड्यूस करना है तो टाइम एंड मोशन स्टडी करनी चाहिए कि कौन से मोशंस यूजलेस है उनको रिड्यूस कर दिया जाए तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी फिर आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी आपको वो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो वैल्यू एड नहीं कर रही है आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ एंड ट्राई टू रिड्यूस एलिमिनेट डेम पहले नॉन वेल्यू एडेड एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो और उनको रिड्यूज या एलिमिनेट करने का ट्राई करो फिर क्या अप्लाइंग डिफरेंट टेक्निक डिफरेंट टेक्नीस अप्लाई करो टू रिड्यूज मशीनिंग कॉस्ट यहां पर लिखा है ये क्वेश्चन में कि मशीनिंग कॉस्ट लॉन्ग रन के लिए फिक्स्ड है तो आपको डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी है जिससे मशीनिंग कॉस्ट क्या हो जाए रिड्यूस हो जाए राइट नाउ दिस इज इट दिस इज अ क्वेश्चन ऑन टारगेट कॉस्टिंग इंक्लूडिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सबसे पहले हमने ए बी सी कॉस्टिंग से फुल कॉस्ट पर यूनिट निकाली पी और क्यू की फिर आपने निकाला मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पी विच केम 15 परसेंट फिर आपने निकाला टारगेट कॉस्ट पर यूनिट अगर मार्कअप सेम रहे 15 परसेंट रहे सो एटी सेलिंग प्राइस था मार्कअप फिफ्टीन ही था तो टारगेट कॉस्ट है रुपीज फिर आपने आंसर किया विल द न्यू डिजाइन अचीव द कॉस्ट रिडक्शन टारगेट क्या नया डिजाइन कॉस्ट रिडक्शन टारगेट यानी टारगेट कॉस्ट उसका रुपीज सेवेंटी फाइव हो पाएगा क्या उसके लिए आपने न्यू कॉस्ट निकाली वो निकली सेवेंटी सेवन पॉइंट थ्री सिक्स तो आपने आंसर किया कि इट विल नॉट बी एबल टू अचीव कॉस्ट रिडक्शन टारगेट क्योंकि रुपीज़ टू पॉइंट थ्री सिक्स पर यूनिट से कॉस्ट ज्यादा रहेगी फिर फोर पॉसिबल मैनेजमेंट एक्शन बताए जिससे इस बारे में रिगार्डिंग न्यू डिजाइन तो हमने बताया कि वैल्यू एनालिसिस करना है मटेरियल कॉस्ट के लिए टाइम एंड मोशन स्टडी करना है इससे लेबर कॉस्ट रिड्यूस होगा राइट right? फिर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है और उनको रिड्यूस या एलिमिनेट करने का कर ट्राई करना है एंड फोर्थ डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी है मशीनिंग कॉस्ट रिड्यूस करना है दिस वॉज इट अ क्वेश्चन ऑन टारगेट कॉस्ट इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज वील फिट वॉज बाई